हाय दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए इस घंटे को, लाइक एंड शेयर कीजिए, शुक्रिया। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, हसन अंसारी लखनऊ। और जो अभी का मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये है हमारी देवा रोड पे। और आप जो काफ़ी हमारा प्रोजेक्ट देखते हैं DS2 सिटी का और DS2 पैराडाइज का, कुर्सी रोड पे, तो काफ़ी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट थी कि फैज़ाबाद रोड के नियर हमारा कोई प्रोजेक्ट आ जाए, ताकि जो लोग पूर्वांचल के लोग हैं उनके लिए आसानी हो जाए। तो पूर्वांचल से काफ़ी लोग जो कस्टमर हैं हमारे, उन लोगों ने कुर्सी रोड पे ख़रीदा है मकान हमारे यहाँ पे। रीज़न क्या है, हमारी जो कंपनी डेवलप करती है और हैंडओवर करके जो मकान आप लोगों को देती है, वो बहुत ही अच्छे मकान देती है। तो इस चीज़ की तारीफ़ कस्टमर खुद करते हैं, जिनका पोजीशन हो चुका है, जो लोग रह रहे हैं, या जिन लोगों से देखिए, अभी हमारी कल ही बात हुई थी दो लोगों से, तो वो कह रहे थे कि हमको जो है DS2 में ही मकान चाहिए, जबकि वहाँ पर कम्प्लीट सोल्ड हो चुकी है। तो अभी आप लोगों की नीड को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने प्रोजेक्ट नया लॉन्च किया है, और अभी 40-50 मकान का प्रोजेक्ट है ये, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग इस एरिया में। तो ये देवा रोड में टेल्को पड़ता है, ठीक है, मटियारी से रास्ता आता है। तो जो लोग पूर्वांचल के लोग हैं, जैसे गोरखपुर वगैरह के लोग हैं, फैज़ाबाद के लोग हैं, तो उनके लिए सेम प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे लॉन्च हो गया है। तो जैसा डेवलपमेंट हम लोग वहाँ करते हैं, वैसे ही डेवलपमेंट यहाँ करेंगे। तो मैं थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ आसपास का। और यहाँ पर जो भी रेट रखा गया, 3500 रुपये स्क्वायर फीट रखा गया है। अभी जो साइज़ रखे गए हैं, दो साइज़ रखे गए हैं, और सबसे अच्छी बात है कि साइज़ जो रखे गए हैं वो हमारे जो हैं अंडर GST के उसमें आ जाएंगे, 1% GST लगेगी। ऐसा नहीं है कि 5% GST देनी हो आपको, सिर्फ 1% GST लगेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो साइज़ बनाए गए हैं, 970 ज़मीन एरिया है, और जो बिल्डअप है 1050 है, ये आपको 36,75,000 रुपये का पड़ रहा है मकान। और 820 साइज़ है लैंड एरिया, उस पर 900 स्क्वायर फीट बना के देना 31,50,000 का। तो अभी प्री बुकिंग चल रही है, अगर आप लोग चाहें तो 51,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा प्री बुकिंग पे। और हमारी जो लॉन्चिंग होगी अगले महीने, यानी कि अभी अप्रैल चल रहा है, मई की 1 तारीख को लॉन्चिंग हो जाएगी, तब ये 51,000 रुपये की छूट आपको नहीं मिलेगी। तो जो लोग पहले से हमारा प्रोजेक्ट देख रहे हैं DS2 सिटी या DS2 पैराडाइज, वो लोग यहाँ बुकिंग करने के लिए एक बार कॉल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों, हम प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट की एंट्री हो जाएगी यहाँ से। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है पूरा। अभी आपको डेवलप नहीं दिखेगा आसपास, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। और ये स्टार्टिंग में जो कमर्शियल रखा गया, ये सारा जो स्टार्टिंग है ये कमर्शियल है दोस्तों। नीचे शॉप्स रहेंगे और ऊपर की तरफ ओयो का सूट्स रहेगा, जो हाउसेज होते हैं उसके रेंट के लिए जो दिए जाते हैं ओयो के, तो वो भी ऊपर रहेगा। और बाकी नीचे जो है ये शॉप्स रहेंगी। और आसपास अगर सराउंडिंग देखेंगे तो ये जो रोड गई है, ये 22 फीट की रोड है अप्रॉक्स, ठीक है। इस रोड के इस साइड में मकान बनेंगे सारे, और एक रोड हमारी वहाँ पर रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो उसमें भी मकान इधर उधर रहेंगे, तो कुछ 40-45 मकानों का ये प्रोजेक्ट है। और मैं आसपास बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे डेवलप नहीं है अभी, टेल्को के बिहाइंड पड़ता है लोकेशन, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये टेल्को के बिहाइंड पड़ रहा है। और जैसे हमारे मकान पहले डेवलप करेंगे, ये वैसे ही मिलेगा। आसपास मकान बने हैं, फैमिली रह रही है यहाँ पे। तो ये लगभग मान लीजिए टेल्को मेन रोड जो है देवा रोड है, वहाँ से 1.5 किलोमीटर इनसाइड है प्रोजेक्ट। और जो मटियारी जो फैज़ाबाद रोड पड़ता है, वहाँ से आपका ज़्यादा दूरी नहीं है, वहाँ से ऐसे 4-4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आसपास देखेंगे तो मकान कुछ बने हुए हैं, यहाँ भी मकान बने हैं, यहाँ भी बने हैं, और अगर यहाँ से आप देखेंगे सामने की तरफ भी, यहाँ भी मकान बने हैं। यहाँ से देखेंगे तो सामने मकान बने हुए हैं और शॉप्स भी बनी हुई हैं, ऐसा नहीं कि शॉप्स नहीं बनी, देखिए इस तरीके से है आसपास। तो कुछ मकान भी बने हैं, फैमिली है यहाँ पर, ठीक है, डेवलप है एरिया, बहुत ज़्यादा नहीं, बाकी हम लोग अब डेवलप करेंगे, आए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से मकान बन रहे हैं यहाँ पर, ये शॉप्स हो जाएंगी। तो आप यहाँ का प्लान कर सकते हैं। और इसकी जो दूरी है मटियाई से, मैंने बताया आपको 4.5 किलोमीटर करीब करीब है, मेन रोड टेल्को से 1.5 किलोमीटर अंदर है। और आसपास स्कूल वगैरह भी अच्छे हैं यहाँ पे, आप सारा चीज़ लोकेशन देख सकते हैं। बाकी मैं अंदर चल के दिखा देता हूँ, यहाँ पे अभी तो बहुत कुछ है नहीं दिखाने के लिए, इस तरीके से ये है दोस्तों। ये 22 फीट की रोड हो जाएगी और लेफ्ट राइट में मकान रहेंगे, ये देखिए आसपास सराउंडिंग में कुछ प्लॉट भी बिक चुके हैं पहले यहाँ पे। तो अभी देखिए डेवलपमेंट हो रहा है, आप लोग प्लान कीजिए यहाँ का।
सैंपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से हम लोग बना के देते हैं, और ये चल के दिखा देता हूँ आपको। ये बड़ा पोर्च एरिया है, 1100 एरिया है इसका लैंड एरिया। तो ये बाहर 22x50 है, बाहर का लॉन एरिया हो जाता है। इस तरीके का देखिए टाइल्स वर्क किया गया है, और अंदर जो है ये आपका पोर्च एरिया है पूरा। स्टेनलेस स्टील की देखिए रेलिंग रहती है, और स्टेयर बड़े मकान होता है तो काफ़ी स्पेशियस रहता है। देखिए ग्रैंड ये जो मार्बल का रहता है पूरा, और मकान आपको मैं दिखाता हूँ चल के। और ये ड्राइंग रूम की एंट्री हो जाती है, और मेन एंट्री आपकी किचन के बगल से रहती है, तो मैं यहाँ से एंट्री करता हूँ। और ये आपका ड्राइंग रूम हो जाता है जो काफ़ी स्पेशियस बना हुआ है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये आपका ड्राइंग रूम हो जाता है, और सामने जो है 6x6 की वेंटिलेशन के लिए विंडो है, दरवाज़ा है, वेंटिलेटर है, और ये आपका वर्क किया है वॉलपेपर का, काफ़ी खूबसूरत वॉलपेपर का वर्क है यहाँ पे। और ये सभी मकानों में अभी स्कीम चल रही है, कंपनी दे रही है, यहाँ पे आप LCD लगा सकते हैं। और ये मॉड्यूलर किचन है यहाँ पे, और अभी कोई बुक करता है अगर होली के टाइम पे, तो यहाँ पे डबल बेड की भी ऑफर चल रही है विद मैट्रेस। ये मॉड्यूलर किचन रहता है, इसी तरीके से हम लोग बना के देते हैं मकान। बाकी इसी का मकान का वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग का जो ट्रेंड रहता है यही रहता है। इसकी जो टाइल्स वगैरह रहती हैं ओरिएंट की टाइल्स हैं, जैगवार की फिटिंग्स हैं, पोरीवेयर सीरा की सैनिटरी वर्क रहता है। तो सारे मकान सेम ही बन रहे हैं, तो आप लोग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने फ्रंट में बताया उसकी जो फिनिशिंग रहेगी वो भी इसी से रहेगी। जैसे ये फिनिश मकान मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पोजिशन होने वाला है, ये OTS है वेंटिलेशन के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह का स्पेस रहता है। ये एक लेटरिन बाथरूम है यहाँ पे, तो इन्होंने दोनों ही लेटरिन बाथरूम बैक साइड में कर दिया स्टोर रूम को ख़त्म करके। तो ये आंगन है, यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं। तो फिनिशिंग आप देख रहे हैं, ये डोरियन के डोर रहते हैं, जो डोर होते हैं यहाँ पे डोरियन के रहते हैं। ट्यूबलाइट्स और फैन वगैरह सब हम लोग लगा के देते हैं इस मकान में। तो दोस्तों इसी तरीके से मकान आपको बना के मिल रहा है, आप लोग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ी टाउनशिप है, 80% लोन हो जाएगा। ओके,